हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, नया चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा लास्ट हमने काइनेमेटिक के बारे में किया था, तो काइनेमेटिक में हमने मोशन को डिस्क्राइब किया था, पोजीशन देखी थी हमने, डिस्प्लेसमेंट देखी थी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, इन सभी कंसेप्ट पर हमने बड़ा ब्रीफली स्टडी की थी। तो ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ये हमने देखा था। बट वहां पर हमने बच्चों काइनेमेटिक में हमने मोशन के काज को नहीं देखा था कि वो जो मोशन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है या उसकी पोजीशन चेंज होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, उन सिचुएशन में हमने किसी भी काज ऑफ मोशन को यहां पर कंसीडर नहीं किया था। बट जो हम लॉज ऑफ मोशन करेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन करेंगे, वहां पर बच्चों ये सभी कुछ आएगा डायनेमिक में। ठीक है, देखिए प्रीवियस हमने क्या किया था, काइनेमेटिक किया था। अगर बच्चों आपने, किसी भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देखिए। ठीक है, अब हम करेंगे डायनेमिक। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डायनेमिक फिजिक्स। डायनेमिक्स में हमने काज देखना है बच्चों, काज ऑफ मोशन, काज ऑफ मोशन। और आप सभी जानते हैं बच्चों के कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से मोशन में हम लेकर आते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और उसको हम मोशन में लेकर आते हैं, ठीक है, मोशन में उसको लेकर आते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, पहले मोशन में था वो ऑब्जेक्ट और उसको हम रेस्ट पर लेकर आते हैं, तो वहां पर बच्चों दोनों केस में जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है, यहां लिखेंगे हम स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज। ठीक है, अब ये स्टेट चेंज होती है, ऑब्जेक्ट की जो स्टेट चेंज होती है वो किसके कारण होती है, इसी को हमने यहां पर डिस्कस करना है। और पूरा जो हमारा यूनिट है लॉ ऑफ मोशन का, इसमें काफी सारा ये कंसेप्ट हमने करना है। तो आपके दिमाग में आया तो होगा कि जितना भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो मोशन में होता है, या मोशन में है तो वो रेस्ट पर होता है, उसकी पोजिशन चेंज होती है, उसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये सभी मतलब का कंसेप्ट है, वो किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं बच्चों फोर्स की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से, फोर्स की वजह से, यानी कि डायनेमिक में हमने डिस्कस, हमारा जो फोकस होगा वो किस पर होगा, वो होगा फोर्स। ठीक है, अब फोर्स भी यहां पर कई प्रकार का फोर्स हम यूज करेंगे। देखिए, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे आप। ठीक है, टेंशन के बारे में बात करेंगे, टेंशन। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, इन पर तो हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो और भी काफी सारे फोर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन हम लिख लेते हैं फोर्स की। फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, फोर्स इज ए पुश और पुल दैट में फर्स्ट पॉइंट क्या करेगा बच्चों, मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, क्या मतलब है, देखिए
कि जो फोर्स क्या करेगा, रेस्ट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको मूव कराएगा, ठीक है, या मूव कराने की कोशिश करेगा, ठीक है, दोनों केस में फोर्स लगेगा। सेकंड स्टॉप और टेंड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो स्टॉप होगा या वो कोशिश करेगा स्टॉप करने की, ठीक है, दोनों केस में फोर्स लगेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, चेंज और टेंड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और मूव करते करते हम उस पर फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी के साथ, सम वेलोसिटी के साथ मूव करता है और मूव करते करते यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है, या चेंज होने की कोशिश करता है, तो इन तीनों केस में बच्चों फोर्स लगता है, ठीक है, तीनों केस में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और इसी फोर्स को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो आपने बच्चों एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा प्रीवियस क्लासेस में, साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी है वो क्या दी है कि फोर्स इज ऑलवेज नीडेड टू मूव ऑब्जेक्ट, कि हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। बट एट लेटर स्टेज इट्स आइडिया वाज रॉन्ग, पर बाद में या हम ये कहें कि इस स्टेटमेंट को और मतलब के इसमें ऐड किया गया, ठीक है, रॉन्ग तो नहीं कहेंगे, इसमें और कंसेप्ट को ऐड किया। और अगेन देखिए, पहले हम लिख लेते हैं, देखिए पहली बात क्या बोली थी एरिस्टोटल ने, फोर्स इज ऑलवेज नीड टू मूव ऑब्जेक्ट, टू मूव ऑब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहली बात ये बोली थी। तो उसके बाद फिर इसने चेंज किया अपनी स्टेटमेंट, और सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, एन एक्सटर्नल फोर्स, एंड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन मोशन, टू कीप द ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है। अब इसमें सेकंड जो कंसेप्ट आया, सबसे पहला एरिस्टोटल ने क्या बोला कि फोर्स की जरूरत पड़ती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो फोर्स की हमेशा जरूरत पड़ेगी। सेकंड उसने क्या ऐड किया कि उस मोशन को बनाए रखने के लिए भी फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया बच्चों। और थर्ड बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और उसने प्रूव भी किया उसको, ठीक है, नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोला उन्होंने कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है, अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है
तो वहां पर कोई भी नेट फोर्स, यानी कि नेट फोर्स वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा वहां पर, जीरो। और ऐसा केस के बारे में हम काफी सारे न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, ठीक है। और उस केस में हम, यानी कि जो उस पर अगर काफी सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये बॉडी है और इस पर काफी सारे फोर्स लगते हैं, ठीक है। तो F1 फोर्स लगता है, F2 फोर्स लगता है, F3 फोर्स लगता है, F4 फोर्स अगर लगता है, ठीक है, इनसाइड इनवर्ड या आउटवर्ड, तो इस पर नेट जो फोर्स लगेगा वो बच्चों क्या आएगा, जीरो। नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू जीरो, समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो अगर इस सिचुएशन में अगर हम देखें, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से, देखो इस कंसेप्ट को हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे जो डेली के कॉमन एक्सपीरियंस क्या बताते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स इज नीडेड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए, ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, जैसे अगर आप, ठीक है, ये जैसे आप हो और जैसे ए कोई बॉडी है और ये मूव करता है कुछ वेलोसिटी के साथ, अगर इसका मोशन बनाना है, तो अगर हम देखें कि इस सरफेस के और इस बॉडी के बीच में यहाँ पर एक अपोजिंग फोर्स लगता है, ठीक है, क्या लगता है, एक अपोजिंग फोर्स लगता है, और जो फोर्स हमेशा अपोजिट साइड लगेगा, ठीक है, कहाँ लगेगा, अपोजिट साइड, यानी कि इस फोर्स को इस जो जिस वेलोसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका ये अपोज करेगा, उसका क्या करेगा बच्चों, अपोज करेगा। तो इस अपोजिंग फोर्स के बराबर में हमें भी क्या करना पड़ेगा, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि ये जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की इसको हम कांस्टेंट रख सके, ठीक है, इसको हम कांस्टेंट रख सके। तो और ये जबकि अपोजिंग फोर्स है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है नेचर में, ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट इन नेचर, ठीक है बच्चों। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव दीज अपोजिंग फोर्स अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंचुअली ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। क्या मतलब है बच्चों, अगर ये अपोजिंग फोर्स लगता है और किसी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो लास्ट में क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है, मूव करता ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ आ जाएगा, कम टू रेस्ट आ जाएगा आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अगर उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हमने यूनिफॉर्मली रखना है, उसको कांस्टेंट रखना है, ठीक है, तो हमें बच्चों उसी अमाउंट में, यानी कि मैंने अभी यही बात बताई आपको कि अपोजिंग फोर्स के बराबर का जो फोर्स है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है, सेम अमाउंट में, अपोजिंग फोर्स के सेम अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो हमारा नेट फोर्स है, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो तब ऑब्जेक्ट मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है बच्चों, देन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, समझ रहे ना बच्चों। देखो दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए कोई ये ए बॉडी थी हमारी, ठीक है, ये ए बॉडी है और ए बॉडी मूव करती है बच्चों एफ फोर्स के साथ, ठीक है। अब क्या होता है कि इस पर अपोजिंग फोर्स लग जाता है, फ्रिक्शन लग जाता है, इसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट साइड लगता है, इसके बारे में भी कंसेप्ट करेंगे हम बच्चों आगे। तो ये अपोजिट साइड लगेगा, तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको रोकेगा, ठीक है, रोकेगा।
तो अगर हमने इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बरकरार रखना है, अगर ये वेलोसिटी हम चाहते हैं कि ये कांस्टेंट रहे, अगर ये वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि जो ये एफ फोर्स हमने जो लगाया अप्लाई किया, देखिए जो अप्लाई किया हमने फोर्स, वो किसके बराबर करना, कितना करना पड़ेगा, अपोजिंग फोर्स यानी कि फ्रिक्शन के बराबर, ठीक है। जैसे साइकिल से हम जाते हैं, तो अगर हम पैडल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो पैडल पर फोर्स उतना लगाएंगे जितना के फ्रिक्शन होता है, ठीक है, तभी हमारा जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो साइकिल है वो चलेगा, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये था बच्चों एरिस्टोटल ने जो कंसेप्ट बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है गैलीलियो का, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट किसका आता है, गैलीलियो। तो गैलीलियो बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसने दिया, जिसका नाम है इनर्शिया, जो इनर्शिया का कंसेप्ट दिया था वो दिया था गैलीलियो, ठीक है, और इसी को ही हम न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हम कैसे करते हैं, देखिए गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, इंक्लाइंड प्लेन पर भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है, तो उसने क्या बोला बच्चों, ये आप नोट करें, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ rest, then it will remain continue at rest, it will remain continue to rest, ठीक है। क्या मतलब है बच्चों, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी स्टेट कैसी है, रेस्ट पर अगर वो है, तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, वो रेस्ट पर ही रहेगा, या सिमिलरली व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म velocity, it will continue to move with constant velocity यानी कि uniform velocity, ठीक है, unless समझ रहे बच्चों, देखिए दोबारा से इसको देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करता रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स, सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने का मतलब उसकी ना तो स्पीड चेंज होगी, ठीक है, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, स्पीड एंड डायरेक्शन नॉट चेंज, तभी हम बोलेंगे ना कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ठीक है, या यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, अगर उसकी डायरेक्शन या उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, ठीक है, कब तक रहेगा वो, जब तक वो
जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों लॉ ऑफ इनर्सिया। इसी को हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इनर्सिया। ठीक है, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों मेन बात है इफ, ये आप नोट करें, इफ नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो, इफ नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो देन इट्स एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो, देन इट्स एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो एंड स्टेट ऑफ बॉडी एंड स्टेट ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। ठीक है, इफ मैनी फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अब देखो यहां पर अगर नेट फोर्स बॉडी पर जीरो है, अगर नेट फोर्स बॉडी पर जीरो है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, और जो बॉडी की स्टेट है वो भी चेंज नहीं होगी, जैसे मैंने लास्ट बताया। ठीक है, अगर मैनी फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, ठीक है, तो इन सच ए वे दैट नेट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री और काफी सारे अगर फोर्स लगते हैं तो वो किसके इक्वल आएंगे? जीरो के। और इस कंडीशन को मैंने क्या बताया था? इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम। और तब हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज कीप्ड एट रेस्ट और मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था बच्चों इनर्सिया का। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या था? इनर्सिया का। और इसी को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पूरा कंसेप्ट बच्चों यहां पर क्लियर आपके हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर कई प्रकार के फोर्स करेंगे। देखिए कुछ न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के हम न्यूमेरिकल से आपको बिल्कुल क्लियर पता लगेगा। देखिए इसको हम देखिए, हमारे पास मास है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। मास कितना है बच्चों? 6 kg। ठीक है, मास 6 kg सस्पेंडेड, सस्पेंडेड बाय रोप, बाय रोप ऑफ लेंथ 2 meter। 2 meter की जो लेंथ है बच्चों रोप है, ठीक है, उसके साथ हमने कितना मास लटकाया गया है? 6 kg फ्रॉम द सीलिंग। ठीक है, फ्रॉम द सीलिंग ए फोर्स ऑफ 50 newton, ए फोर्स ऑफ 50 newton इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, इज अप्लाइड, इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट, एट द मिड पॉइंट पी। ठीक है, तो निकालना क्या है बच्चों? व्हाट इज द एंगल द रोप, व्हाट इज द एंगल द रोप विद द वर्टिकल, विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों,
और जी की वैल्यू आपको याद रखनी है बच्चों 9.8 समथिंग होती है न्यूमेरिकल में, हम कितने लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जो मास है रॉक का वो नेग्लेक्टेड करना है, ठीक है, समझ रहे बच्चों। मास ऑफ जो रोप का मास है, रस्सी का जो मास है, ठीक है, यहां लिख लो मास ऑफ रोप इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। अब देखिए बच्चों के ये सपोज करें, ये सपोर्ट हम दे देते हैं, सपोज करो यहां से हमने मास को लटका दिया है, ये मास को हमने लटका दिया, ठीक है, और जब हमने फोर्स लगाया, ठीक है, जब हमने बच्चों फोर्स लगाया इसको, हम देखिए ये टोटल यहां तक ये हो गया 1 मीटर और यहां भी ये 1 मीटर अगर हम ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से क्या हुआ कि रस्सी बीच में से ऐसे हो जाती है, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो ओरिजेंटल फोर्स लगाया हमने, यहां पर फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया 50 न्यूटन, कितना फोर्स लगाया 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन फोर्स लगाया, अब यहां से ये 1 मीटर का यहां पर डिस्टेंस है और 1 मीटर यहां पर डिस्टेंस है, और वेट कितना है बच्चों इसका, वो है 6 kg, ठीक है। तो यहां पर एक प्रकार का और फोर्स की हम जिक्र करेंगे कि जब ये पॉइंट जहां पर हमने फोर्स लगाया वो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है हमारा, ये आपने याद रखना है, ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर सभी फोर्स जीरो हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर हम बॉडी की टेंशन को देखें, बॉडी का खिंचाव देखें, ठीक है। अब बॉडी की टेंशन किस तरफ डायरेक्शन करोगे आप, जिस तरफ बॉडी बंधी हुई होगी, ठीक है। मान लिया यहां जहां पर बॉडी का वेट है, याद रखना बच्चों, तो वहां से आप इसके डायरेक्शन का, अगर टेंशन की डायरेक्शन का पता करना चाहें तो यहां पर बैठकर उसी डायरेक्शन में छाते को खोल दें, समझ रहे ना, तो आपका छाता ऐसे खुलेगा, ठीक है, ये छाता खुलेगा, समझ रहे। अब छाते की डायरेक्शन देखो किस तरफ है, वही डायरेक्शन क्या रहेगी, टेंशन की डायरेक्शन रहेगी, वही डायरेक्शन क्या रहेगी, टेंशन। जो ये टेंशन है यहां पर टेंशन की डायरेक्शन, सबसे पहले जब बीच में हमने फोर्स लगाया, ठीक है, मिड पॉइंट पर लगाया, पी पॉइंट है ये जहां पर हमने रस्सी को खींच लिया, तो जब हमने रस्सी को खींच लिया तो इस प्रकार का डायग्राम हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहली टेंशन लगी, इसको हम लिखेंगे T1, ये भी टेंशन भी क्या है ना, फोर्स है बच्चों, ठीक है। और डायरेक्शन किस तरफ रखती है, जिस तरफ फोर्स लगता है, ठीक है। अब उसके उससे खींचने से यहां पर अब ये इसकी टेंशन की डायरेक्शन क्या है, देखो जहां पर मैंने ये छाते को दिखाया गया है, ठीक है, तो यहां छाता हमने खोल दिया, यहां पर इस टेंशन को मैं लिख क्या लूंगा, T2, क्या लूंगा, T2। एक देखो नीचे भी है, नीचे डायरेक्शन क्या रहेगी, ये होगी T3, यहां पर क्या रहेगी, T3। अब जब फोर्स की डायरेक्शन क्या नीचे की तरफ है, तो अपवर्ड टेंशन भी रहेगी यहां पर, वो कितनी रहेगी, वो भी T3 रहेगी, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट, दोनों के बीच में इक्वल एंड अपोजिट टेंशन रहेगी, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है, T3 T3, समझ में आया बच्चों, T3 T3 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। यहां तक आपके बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। बस यहां इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, एक बार समझ में आ गया तो बिल्कुल आपके कोई दिक्कत नहीं लगी, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है कि यहां पर इस पॉइंट पर जो फोर्स है वो जीरो है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें बच्चों, यहां पर जो टेंशन है, ये जो टेंशन है ये कितनी टेंशन है, T2, और इसको मैं यहां से ये पॉइंट ये ड्रा कर लेता हूं, ठीक है, और इसको भी मैं यहां से ड्रा कर लेता हूं, समझ रहे। देखिए इसको हम दोबारा से बना लेते हैं, आप बिल्कुल भी इसको देखो ध्यान से देखो बच्चों, इसको
तो हमारी जो रोप थी पहले ऐसे गई और फिर ऐसे गई, ठीक है। ये हमने फोर्स लगाया और ये जो फोर्स लगाया, ये फोर्स कितना था बच्चों, 50 न्यूटन था, ठीक है। अब ये टेंशन और ये टेंशन, टेंशन की डायरेक्शन देखो, ये T1 और ये T2 और ये T3, ठीक है। और यहाँ पर वेट है, कितना वेट है, 6 kg, ठीक है। ये भी डाउनवर्ड है, तो इसके कारण अपवर्ड यहाँ पर भी क्या लगेगा, T3 लगेगा। अब यहाँ पर मैं अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है, तो सपोज करें ये कितने एंगल पर, देखे पहले यहां पर थी ये रोप, ये था ना पहले यहां पर रोप थी, ये वेट यहां पर लटका हुआ था, पर जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो ये कहाँ आ गया, यहां पर आ गया। और ये कितना एंगल फर्क पड़ा है बच्चों इसका, थीटा डिग्री, ये एंगल कितना है, थीटा डिग्री। तो अब मैंने ये अपने पास से यहां इसको देखो ये ड्रा कर दिया है, और यहां पर जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना बनेगा, ये भी थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। अब जब ये थीटा एंगल है और ये T2 है, T2 के हम यहाँ पर दो कंपोनेंट बनाएंगे बच्चों, T2 के यहाँ पर दो कंपोनेंट बनाएंगे। तो पॉइंटर का देखो कलर मैं चेंज कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है। तो जो ये T2 है, इस T2 के दो कंपोनेंट बनाएंगे, तो जहां पर थीटा एंगल बनाया है तो वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये P पॉइंट है। तो जिस डायरेक्शन में एंगल होता है वहां पर हम कोस थीटा कंपोनेंट लेते हैं, तो T2 का कंपोनेंट यहाँ पर क्या होगा, T2 कोस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, ठीक है, ये होगा T2 sin थीटा, T2 sin थीटा। अब हमने ये कंपोनेंट को भूल जाना है, ठीक है, इसका इसकी देखो जरूरत नहीं है। अब मैं इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इससे बिल्कुल आपका ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये, यहाँ से हमने फोर्स लगाया था, ये फोर्स कितना था, 50 न्यूटन, ये हो गया T1, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट है, T2 sin थीटा, और ऊपर की तरफ कौन सा कंपोनेंट है, T2 cos थीटा, और नीचे की तरफ कितना वेट था बच्चों, 6 kg, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक बिल्कुल आपके समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारी कंडीशन कैसी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन लागू होती है बच्चों, तो जो ऊपर वाला जो ये फोर्स है जो कि टेंशन के रूप में है, वो कितना है, T2 cos थीटा, वो किसके इक्वल आएगा, नीचे जो फोर्स लगा है, ठीक है, नीचे जो फोर्स, ये कितना है, 6 kg। तो 6 kg को न्यूटन में बदलो, तो 1 kg को मैंने क्या बताया था, 10, ठीक है, तो कितना आ गया, ये 60 न्यूटन आ गया, 1 kg मतलब 10 न्यूटन, यानी कि 60 न्यूटन आ गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 न्यूटन के बाद, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और ये इसको बैलेंस करेगी, ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, T2 sin थीटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये कितना आएगा, 50 न्यूटन, ठीक है, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग यहाँ लिखेंगे, डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो लिखो बच्चों इसको, तो हम क्या लिखेंगे, T2 sin थीटा डिवाइडेड बाई T2 cos थीटा इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट कितना आया हमारा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। तो यहां से हम एंगल निकाल सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/6, ठीक है बच्चों। तो ये हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, तो आसानी होगी। यहां पर हमने क्या दिखाया बच्चों, कि यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाई, जो फर्स्ट लॉ की इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाई, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो और कर लेते हैं हम, यहां पर न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, एक बॉडी ऑफ मास 1 kg हैंग्स इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम टू स्ट्रिंग,
फ्रॉम टू स्ट्रिंग ओ एक्स एंड ओ वाई। निकालना क्या है बच्चों, कैलकुलेट द टेंशन टी वन एंड टी टू इन टू स्ट्रिंग, इन टू स्ट्रिंग। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम ये सपोर्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट है, एक्स वाई सपोर्ट है। अब यहां से हमने क्या कर दिया बच्चों, टू स्ट्रिंग ली हैं। देखिए अब मास कितना है, 1 kg है। अब वो हमने सपोज करें ये ओ पॉइंट है हमारा। ठीक है, यहां से हमने इसको लटका दिया है और एक ये है, ये फिगर में पहले दिया होगा बच्चों, ये 60 degree पर है और ये 30 degree पर है। ये पॉइंट हो गया हमारा ओ। ठीक है, और यहां पर वेट कितना लटकाया गया है, 1 kg। 1 kg, ठीक है, 1 kg मतलब 10 newton, समझ रहे ना, 1 kg मतलब 10 newton। अच्छा बच्चों, इसको हम कैसे निकाल लेंगे, देखो अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को मैं इक्विलिब्रियम लेता हूं, ठीक है, समझ रहे, पहले तो देखो कंपोनेंट के बारे में हम देखेंगे। अगर मैं इसको ओरिजेंटल कंपोनेंट ले लेता हूं, सबसे पहले क्या करना आपने, ये ओरिजेंटल लाइन खींचनी है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा बच्चों, ये देखिए ये एंगल कितना 60 है, और इसको मैं एक ये भी, ये कंपोनेंट हमारा बनेगा, ये भी कितना एंगल बनेगा, 60 degree। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक मैं यहां से ये भी बना लेता हूं, ये 30 है, ये कितना है बच्चों 30, तो ये भी कितना होगा, 30 degree होगा। ठीक है, समझ रहे, समझ में आया बच्चों, यहां तक देखो। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें टेंशन, देखें इस तरफ टेंशन, देखें तो इस तरफ टेंशन की डायरेक्शन मैंने बताया था, छाता खोल देना, यहां पर बैठे हैं आप और इसको जरूर यहां मानना है, यहां पर आप बैठे हैं तो यहां पर छाता खोलेंगे तो ये टेंशन की डायरेक्शन ये रहेगी, और इस तरफ ये टेंशन की डायरेक्शन रहेगी और नीचे ये टेंशन की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, तो ये टेंशन होगी T1 और यहां पर टेंशन होगी T2। तो T1 के भी हम कंपोनेंट बनाएंगे। देखो यहां पर जो 60 degree का जो एंगल बना है, वो जिस एक्सिस के साथ बनेगा वो ओरिजेंटल होगी, ये ओरिजेंटल एक्सिस है। तो यहां पर जो कंपोनेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, T1 cos 60 degree, ये मैंने पहले बता रखा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा T1 sin 60 degree। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ T2 पर आ जाओ। T2 के ओरिजेंटल में ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट बनेगा जबकि इसके साथ 30 डिग्री का एंगल है, तो ये आ जाएगा T2 cos 30 degree। और ऊपर की तरफ यहां जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, T2 sin 30 degree। ठीक है बच्चों, देखिए दोबारा से पॉइंटर का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा फोकस आपका बना रहे। देखिए इसको अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इसका, तो ये बनेगा ऐसे। ठीक है, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट है, T2 cos 30 degree। ऊपर की तरफ दो कंपोनेंट बनेंगे, देखो सबसे पहला T1 का है, T1 का कितना है sin 60 degree, और फिर उसके बाद T2 का कितना बनेगा, sin 30 degree। इस तरफ कंपोनेंट जो बनेगा वो बनेगा T1 cos 60 degree, और नीचे की तरफ वेट कितना है बच्चों, 1 kg। ठीक है, और ये कितना था, 10 newton। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी कि जो बॉडी है, बॉडी का मास है वो इक्विलिब्रियम, इसका इक्वल एन अमाउंट, यानी कि इक्वल एन अपोजिट फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो फिर हम कंडीशन यूज करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो टेंशन लगी हुई है T1 cos
60 यानी कि T1 का जो कंपोनेंट है, आप कंपोनेंट भूल जाने, आप T1 कंपोनेंट है या T2 कंपोनेंट है इसको आप भूल जाओ, ठीक है। तो T1 cos 60 किसके इक्वल आएगा, T2 cos 30 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे हम क्या आ जाएगा बच्चों, T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 30, ठीक है। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो T1 cos 60 कितना आ गया 1/2, और T2 cos 30 कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट 3/2। तो 2 से हम 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर T1 की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ गया अंडर रूट 3 और इंटू T। तो ये पहली इक्वेशन आई हमारे पास T, ठीक है, समझ में आया बच्चों। ये कहाँ से आई, फ्रॉम ओरिजिनल, हमने क्या किया ओरिजिनल कंपोनेंट को बराबर कर दिया। अब देखो वर्टिकल में कौन कौन से कंपोनेंट है, देखो ऊपर की तरफ दो कंपोनेंट है, T1 साइन 60 और T2 साइन 30, ये किसके इक्वल हैं, 10 न्यूटन, ठीक है। तो इनको ये लिखो, यहां पर लिखेंगे हम, देखो ये कितना आ गया T1 साइन 60 प्लस T2 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर दी, तो T1 साइन 60 कितना गया अंडर रूट 3/2 प्लस T2 साइन 30 हो गया बच्चों 1/2 इज इक्वल टू 10। तो 1/2 इसको हम देखो कॉमन ले लेते हैं, तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 3 T1 प्लस T2 इज इक्वल टू ये आ गया 20, ठीक है। T1 की वैल्यू रखो बच्चे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 T2 प्लस T2 इज इक्वल टू 20। तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये आ गया बच्चों 3 T2 प्लस 1 T2 इज इक्वल टू 20, यानी कि 4 T2 इज इक्वल टू 20 और T2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये आ गया 5 न्यूटन, समझ में आया बच्चों। T2 की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ से T1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये कितना आ गया अंडर रूट 3 इंटू T2 है ना, तो ये आ गया 5, यानी कि 5 अंडर रूट 3 न्यूटन। तो यहाँ पर दोनों हमने टेंशन निकाली, टेंशन भी क्या है, एक प्रकार का फोर्स, ठीक है, T1 और समझ में आया बच्चों। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हमने, दो न्यूमेरिकल किए हैं, एक और न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और ये न्यूमेरिकल AI EEE JEE Main, ठीक है, नेट में ये सभी में आते हैं। यहां पर देखिए वेट mg रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शन लेस inclined plane of slope angle 30 degree is attached to string at the top, find the tension, निकालना क्या है बच्चों, find the tension for which system is in equilibrium, ठीक है बच्चों। इसने क्या बोला के देखिए, एक इंक्लाइंड प्लेन है, हम ये प्लेन लेते हैं, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और जो स्लोप एंगल कितना है 30 डिग्री, और उस पर क्या रखा है, एक वेट रखा है mg, ये वेट है सपोज करें, ये mg वेट हो गया, ठीक है,
समझ में आया। अब ये वेट है बच्चों, यहां पर देखो आप इस प्रकार का जो न्यूमेरिकल है आगे भी आएंगे। जब भी कोई वेट हम रखते हैं इनक्लाइंड प्लेन पर तो उसका नॉर्मल रिएक्शन, ये एक और प्रकार का फोर्स है। देखो टेंशन फोर्स हमने कर लिया, मैं दोबारा से देखो आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हम कोई वेट रखते हैं इनक्लाइंड प्लेन पर तो ये तो उसका नॉर्मल रिएक्शन होता है। ये क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जबकि उसका जो वेट है वो ग्राउंड की तरफ होता है, ये वेट होता है ग्राउंड की तरफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की तरफ, समझ रहे ना। ये वेट है वो ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन देखो आप कितना। अब यहां पर जब मैंने यहां बताया आपको कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसको नोट करें आप। पहले मैं इसको थोड़ा सा, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है कि जितना फोर्स, ठीक है, बॉडी का डाउनवर्ड लगेगा उतनी ही फोर्स यानी कि जो सरफेस है उस पर लगाएगा। तो जितना फोर्स सरफेस उस बॉडी पर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो अब यहां पर देखो आप mg है, mg का डायरेक्शन वो किस तरफ है? ग्राउंड की तरफ है, ठीक है। तो इसको हम देखो यहां पर, और जो बॉडी है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? स्ट्रिंग के साथ जुड़ी हुई है। तो ये स्ट्रिंग हमने बना दी यहां पर, ठीक है, ये स्ट्रिंग बना दी। तो थोड़ा सा इसको हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। देखो ये स्ट्रिंग हमने बनाई है, स्ट्रिंग के साथ ये अटैच है। तो टेंशन किस तरफ लगेगा? बॉडी से देखो आप, बॉडी की, बॉडी से खींचेंगे तो छाते का जो डायरेक्शन रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो टेंशन टी इस तरफ रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ एम जी और यहां पर एंगल क्या बनेगा बच्चों? देखिए यहां पर एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितने का होगा? 90 प्लस 30, तो ये एंगल हमारे बनेगा 60, ठीक है। ये एंगल क्या बनेगा? 60। तो अगर मैं इस एम जी के दो कंपोनेंट निकालता हूं, देखिए एम जी के अगर मैं ये एक तो ये कंपोनेंट बना लेता हूं, ठीक है, और एक एम जी का ये कंपोनेंट बन गया, ठीक है। तो ये एंगल कितना बनेगा? देखो यहां पर भी एंगल ये कितना 90 डिग्री का, ध्यान से देखो बच्चों, ये जो एंगल है जहां पर मास रखा है वहां पर ये एंगल कितना 90 डिग्री, 90 में से ये 60 निकल गया तो ये एंगल भी कितना बचेगा? 30 डिग्री एंगल। और ये एंगल बनेगा किसके साथ? इस लाइन के साथ, नीचे वाले कंपोनेंट के साथ। और ये कंपोनेंट हमारा किसका कंपोनेंट है? एम जी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, और जिसके साथ एंगल बनता है उसको हम क्या लेते हैं? एम जी कोस थीटा, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या लिखेंगे? एम जी कोस 30 डिग्री, ठीक है। और ये कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट दूसरा ये बनेगा एम जी साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं। देखिए मैंने क्या किया, ये इंक्लाइंड प्लेन था, समझ रहे ना, और मैंने इसको और एक्स एक्सिस मान लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब बॉडी कहाँ है? यहां पर है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। वेट कहाँ है बच्चों इसका? ये वेट है, ये एम जी वेट है, समझ रहे ना। और ये हमारा था ओरिजोनटल प्लेन जो पहले था, अब मैंने ओरिजोनटल इसको मान लिया, ठीक है। यहां पर एंगल कितना था? 30 डिग्री। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा, ध्यान से देखो। तो ये एंगल कितना बचेगा बच्चों? ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल कितना बच गया हमारा? 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री के साथ देखो, ये एम जी है, इसके जो कंपोनेंट है बस ये आपके बिल्कुल समझ में आना चाहिए बच्चों। यहां पर जो एम जी है, एम जी का जो कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट हमारा कोस थीटा होता है, यानी कि एम जी कोस 30। और ये कंपोनेंट हमारा क्या बनेगा? वो बनेगा एम जी साइन
30। ठीक है, अब टेंशन की बात करते हैं। जबकि ये जो मास है वो यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर अटैच है, तो टेंशन ये कितना है, टी है। ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन होगी, ये क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन, इसका मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्री बॉडी डायग्राम, समझ में आया बच्चों, देखो तीन जगह मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगी, ये क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन, और इसके अपोजिट में क्या होगा, कंपोनेंट एम जी कोस 30। ठीक है, यहाँ पर वेट है और ये होगी बच्चों टेंशन टी, और इस तरफ कंपोनेंट कौन सा था, एम जी साइन 30। बिल्कुल समझ में आना चाहिए, पूरी पिक्चर क्लियर है। अब देखो जब हमने इसके कंपोनेंट ले लिए, एम जी के कंपोनेंट जब हमने ले लिए, तो अब इसको हमने नहीं लेना है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करो बच्चों, यहाँ क्या लिखेंगे हम, फोर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पर देखो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आएगी, पहले यही ले लेते हैं, एन इज इक्वल टू एम जी कोस 30। ठीक है, अब मास कितना है बॉडी का, वो कितना है 100 न्यूटन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 100। ठीक है, मास कितना है 100 न्यूटन है, तो कोस अगर मास देखो मैंने पहले बताया नहीं है, तो सपोज करें मास कितना है इसका 100 न्यूटन है, और कोस 30 कितना है बच्चों, कोस 30 होता है अंडर रूट 3/2, तो ये कितना हो गया 50, यानी कि हो गया 50 अंडर रूट 3 न्यूटन। ये हमारा क्या है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम टेंशन निकालेंगे। अब ये टी किसको बैलेंस कर रहे हैं, ये टी देखो इसको, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों बराबर होंगे, तो टी इज इक्वल टू एम जी साइन 30, और टी इज इक्वल टू एम जी कितना 100, साइन 30 कितना होगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1/2, तो ये इसको कैंसिल कर देंगे हम, तो टी कितना आ गया 50 न्यूटन, तो यहाँ पर ये टेंशन हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो टेंशन भी हमारी टी कितना आ गया 50 न्यूटन आ गया, और अगर मान लिया है, ठीक है, कई एग्जांपल में क्या होता है कि यहाँ पर ये बॉडी है जो ये किसी वेट से लटका कर दिखाते हैं, इसको वेट से लटका कर दिखाते हैं, यहाँ पर वेट लटका हुआ है, ठीक है, और उस वेट को हमने डब्ल्यू मान लिया और वो निकालना है। ठीक है, तो तब भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर पुली लगी होगी, पुली वाला एग्जाम्पल आगे भी हम करेंगे, तो पुली से यहाँ पर वेट कितना आएगा, कितना यहाँ पर टेंशन लगेगी, तो वो भी सेम क्वेश्चन है बच्चों, तो ये कितना लगेगी हमारा 50 न्यूटन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये अपना ये था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ के जो न्यूमेरिकल हैं बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, और इसको बच्चों आप जरूर देखें, पूरा वीडियो देखने से ही पता लगेगा। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बच्चे आप देख रहे थे ये आरएस बटोए चैनल। ठीक है, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।